नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आपका स्वागत है गुरुग्राम के अपने पहले वेब न्यूज चैनल में, जहां दिखाई जाती हैं खबरें आपके शहर की। 31 मई रात के 9:30 बज रहे हैं और 9:30 बजे जिला प्रशासन का कोरोना बुलेटिन आया है, उसकी अपडेट लेकर आप लोगों के सामने हम हाजिर हैं। आज की लोकेशंस आ गई हैं कि कहां कहां से आज के 97 केसेस जो नए पॉजिटिव पाए गए हैं 31 मई को, यानी कि रविवार को, उनकी लोकेशन कहां कहां की है वो बताने के लिए आप लोगों के सामने हम हाजिर हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने एक जानकारी रखना चाहूंगा कि अब गुरुग्राम न्यूज आपको टेलीग्राम पर भी मिलेगा। आप टेलीग्राम पर भी हमारे इस गुरुग्राम न्यूज के जो ग्रुप है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और टेलीग्राम की ये सुविधा है कि आप एक ग्रुप में 2 लाख के करीब जो लोग हैं वो एक ही ग्रुप में जुड़ सकते हैं। दूसरी उसके साथ ये सुविधा है कि अगर हमने उसमें कुछ डिटेल्स डाली है तो आप अगर आज ही उसमें जुड़े हैं टेलीग्राम ग्रुप में तो आप पीछे की अपडेट्स भी उसमें देख सकते हैं। ये एक उसमें अच्छी सुविधा है। हमने टेलीग्राम जो हमारा ग्रुप बनाया है उसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपके लिए अवेलेबल कराया है। आप उस लिंक पे क्लिक करके टेलीग्राम इंस्टॉल करके और फिर आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अब बात करते हैं 31 मई के कोरोना अपडेट की। 31 मई को भी गुरुग्राम में कोरोना अपडेट पूरी अपनी फुल स्पीड से दौड़ रहा है और आज गुरुग्राम में 97 यानी कि 97 लोगों के जो सैंपल्स है वो पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके अलावा आज 60 लोगों को अस्पताल से डिस्चार्ज भी किया गया है, जो एक राहत भरी खबर है। लेकिन 97 केस लगातार बढ़ रहे हैं, पिछले 4 दिनों से लगातार गुरुग्राम में जो केसेस हैं उनकी संख्या में इजाफा हो रहा है। अब बात करते हैं कि गुरुग्राम में 97 केस बढ़ने के बाद और 60 लोगों के डिस्चार्ज होने के बाद क्या आंकड़ा बनता है। आंकड़ा यह बनता है कि गुरुग्राम में अब टोटल जो संख्या है कोरोना पॉजिटिव की वो 774 हो गई है। जी हाँ, यानी कि 774 कुल संख्या हो गई है कोरोना पॉजिटिव की। अब इसके अलावा अगर कुल एक्टिव केसेस की बात करें तो वो 490 हो गए हैं। 490 केसेस अब एक्टिव हैं गुरुग्राम में, जो कि 500 के आंकड़े को छूने में केवल 10 की कमी है। उसके अलावा डिस्चार्ज होने वालों की संख्या की अगर बात करें तो 281 लोगों को अब तक अस्पताल से डिस्चार्ज किया जा चुका है और इसके अलावा 3 लोगों की अब तक हमारे गुरुग्राम में कोरोना की वजह से मौत हो चुकी है। अब बात कर लेते हैं आज के जो कोरोना जो केसेस आए हैं 97 वो किन किन इलाकों से आए हैं गुरुग्राम के, वो मैं लोकेशंस आप लोगों के सामने पढ़ देता हूं। जो डिटेल्स हैं मेरे सामने उसमें बहुत से ऐसे लोकेशंस हैं जो पहली बार कोरोना पॉजिटिव उन इलाकों में पाए गए हैं, वो लोकेशंस आप लोगों के सामने मैं पढ़ रहा हूं। कोशिश कीजिएगा कि आप लोग नोट कर लें या इस वीडियो को हमारी को दोबारा देख सकते हैं। साथ ही साथ आप लोगों से ये भी अपील करूंगा कि आप हमारी इस वीडियो को शेयर भी साथ साथ करते रहें। अब मैं आप लोगों के सामने लोकेशन पढ़ता हूं। एक केस आदर्श नगर से है, एक केस अंजना कॉलोनी खानसा से है, एक केस एम्बियंस लगोन अपार्टमेंट जो कि एम्बियंस मॉल के पीछे है वहां से है, एक केस आरडी सिटी से, 8 केस बसई इंडस्ट्रियल एरिया से, 1 भीमनगर न्यू रेलवे रोड से, 2 केस बीएसएफ कैंप भोंडसी से। आपको याद होगा 2 केस पहले भी बीएसएफ से आ चुके हैं, जो हमारे जवान हैं बीएसएफ के वो 2 पहले भी आ चुके हैं। अब इसमें वो डिटेल नहीं है कि ये बीएसएफ के जवान हैं या उनके कोई और फैमिली मेंबर्स हैं, वो अभी जानकारी नहीं है। इसके अलावा 2 केसेस चकरपुर से हैं, 1 केस देवीलाल कॉलोनी से, 2 केस डीएलएफ फेज 1 से, 5 डीएलएफ फेज 5 से, 4 डीएलएफ फेज 3 नियर साईं बाबा मंदिर। ये लोकेशन जो हमारे पास है वो एसडीएस लोकेशन आप लोगों के सामने मैं रख रहा हूं। 2 केस डूनाहेड़ा से है, 1 फ्रेंड्स कॉलोनी से, 1 गली नंबर 3 नरसिंहपुर से, 1 केस ओमनगर गली नंबर 4 से, 2 केस हरिनगर से, 1 केस हीरानगर गली नंबर 1 से, त्रिमूर्ति नियर त्रिमूर्ति। इसके अलावा 1 केस कन्हई गांव से है, 1 हेरिटेज सिटी से है, 1 खानसा से, 1 कृष्णा कॉलोनी, 1 केस सेक्टर 51, 1 मदनपुरी नियर गुरुद्वारा, 1 केस सेक्टर 50 मेफील्ड गार्डन से है। इसके अलावा 1 केस मालवी टाउन, 1 केस ट्रांसपोर्ट नगर वार्ड नंबर 8 सोहना से है। इसके अलावा 3 केस मानेसर से है, 3 नाहरपुर से, 2 न्यू पालम विहार, 1 केस सेक्टर 38, 4 केस एनएसजी कैंप से। ये एक बड़ी खबर है कि गुरुग्राम के एनएसजी कैंप में भी अब कोरोना की एंट्री हो गई है। एनएसजी वो फोर्स है जो हमारे देश में आंतरिक सुरक्षा के लिए आतंकियों से लड़ती है, उपद्रवियों से लड़ती है, वहां पर भी एनएसजी कैंप में भी अब कोरोना की एंट्री होगी। वहां से 4 केसेस सामने आए हैं, 1 केस सेक्टर 22 से है, 2 केस सेक्टर 4 से, 1 सेक्टर 11 और 1 राजीव नगर से। बाकी की लोकेशन भी आप लोगों के सामने मैं पेश करता हूं। 3 केस सुशांत लोक सेक्टर 28 से है, इसके अलावा 1 केस सेक्टर राजेंद्र पार्क से, 1 सेक्टर 9A, 1 केस है खेड़की माजरा गांव नियर शिव मंदिर, 2 केसेस
पालम यार फेज टू से है, एक सेक्टर 40, एक सेक्टर 53, एक सेक्टर 38 सुभाष चौक यहां पर लिखा हुआ है, एक सेक्टर 7, एक सेक्टर 45, एक शिवनगर, एक सेक्टर 17, एक केस खेड़की माजरा नियर शिव मंदिर, ये दूसरा केस है खेड़की माजरा का, एक केस सेक्टर 10 ए, एक सेक्टर 92, एक सेक्टर माफ कीजिएगा, एक सेक्टर 46, एक सेक्टर 84, 84, एक केस शक्ति पार्क से है, एक 92 सेक्टर से है, एक सेक्टर 63 से है, एक शिवपुरी से, एक सेक्टर 31 से, एक सेक्टर 49 सेक्टर 49 सोना रोड से है, एक सलापुर खेड़ा विलेज सेक्टर 21। आपको याद होगा सलापुर खेड़ा बॉर्डर पे कुछ दिन पहले पथराव किया था मजदूरों ने पुलिस के ऊपर, जब वो गुरुग्राम आने चाहते थे, ये बोला वो सलापुर खेड़ा है, ये सेक्टर 21 वहां से है, एक सेक्टर 52, एक सेक्टर 37 फेज टू और एक सेक्टर 45 से है। ये कुल 97 केसेस जो आज पॉजिटिव पाए गए हैं रविवार को, ये उनकी संख्या है जो हमने आप लोगों को बताई है। अब मैं आप लोगों से ये भी अपील करूंगा कि इसके अलावा हमारे पास ज्यादा जानकारी नहीं है। आप लोग लगातार हम लोगों से कमेंट में पूछते हैं कि आपके इलाके में गली नंबर क्या है या आपके इलाके में जो और उनके हाउस नंबर क्या है, तो माफ कीजिएगा ऐसी जानकारी हम लोगों के पास नहीं आती है। और अगर हमारे पास इस तरह की कोई जानकारी आ भी जाती है तो हम मजबूरन आप लोगों के सामने वो शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि गाइडलाइंस ऐसी हैं गृह मंत्रालय की, केंद्रीय गृह मंत्रालय की, कि हम कोरोना पॉजिटिव जो भी हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन किसी के सामने डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आप लोगों से अपील करूंगा कि आप लोग बार बार इस तरह के कमेंट ना करें, इस तरह के सवाल बार बार आप लोग ना पूछें कि आपके इलाके से कौन सी गली से या कौन से मकान से कोई कोरोना पॉजिटिव आए हैं। अब आप लोगों से मैं अपील करूंगा कि आप लोग इस खबर को जरूर शेयर कर दीजिएगा और हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है उस पर भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। आपको व्हाट्सएप से बेहतर सुविधा टेलीग्राम पर मिलेगी। वहां पर मैं ये भी अपील करूंगा जितने हमारे जो मेंबर्स हैं व्हाट्सएप ग्रुप्स पे या हमारे फेसबुक पेज पे जितने फॉलोवर्स हैं आप, वो आप लोग टेलीग्राम पे अगर आप यूज करते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे आपको हाई क्वालिटी में जो भी ब्रेकिंग्स होंगी, जो भी वीडियोस होंगी, वो आपको वहां पर अवेलेबल होगी। हमारी इस खबर को जरूर शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ आप लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का खास ध्यान रखना है, साथ ही साथ आपको मास्क पहनकर निकलना है। घर से बाहर आप निकल रहे हैं, 65 साल से ज्यादा के बुजुर्गों को और 10 साल से कम के बच्चों को घर से बाहर नहीं निकलने देना है। यही एहतियात हमें बरतनी है, तभी हम इस कोरोना से लड़ पाएंगे। नमस्कार।